हेलो दोस्तों, तो ये है नोबिता और डोरीमोन का घर। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये दरवाज़ा है और यहाँ पर नोबिता और डोरीमोन का रूम है और ये है उसका घर। तो ये मैंने 3D बनाया है और इसे रिक्वेस्ट किया है मेरे एक प्यारे व्यूअर ने, जिन्होंने बोला है कि उन्हें 3D ड्राइंग सीखनी है घर बनाने के लिए। तो आप इसे सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं हूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चलिए घर बनाने के लिए सीखते हैं। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। बिल्कुल इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल बनाइए और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने हैं। अब दोनों साइड आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल शेप में ड्रॉ करना है जो घर का शेड होगा। यहाँ पर आपको बनाना है विंडो और ये ग्लास हो गई विंडो में। जैसा आपने शेड बनाया था वैसा ही शेड एक और बनाना है। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हिंज है और इस तरीके का डिज़ाइन रखना है आपको। और इस जगह पे हमें बनाना है दरवाज़ा। तो देखिए ये मेरा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया है और इसी तरीके से हमें फर्स्ट फ्लोर को भी बनाना है। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर को बनाते हैं और इसे भी वैसे ही बनाना है जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर को बनाया था। बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिएगा, बहुत ही आराम आराम से आपको बनाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें जो पेड़ था इस पेड़ को इस तरीके से बनाना है। जी हाँ, पेड़ को बिल्कुल ही इसी तरीके से बनाइएगा। और ये पीछे का घर का साइड है और इसी तरीके से ये पोल भी आपको बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी पोल। अब देखिए ये आउटलाइन फाइनली ये कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं बाउंड्री पे थोड़ा डिजाइन डाल रहा हूँ जो नोबिता के घर के बाहर होता है। और ये है डिश टीवी, मतलब कि एंटीना। एज यू कैन सी ये आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ पर वाटर कलर करेंगे और देखिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि वाटर कलर बहुत ही आराम से करते हैं और लेयर बाय लेयर करना है आपको। तो जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। देखिए कितना मैं धीरे धीरे वाटर कलर कर रहा हूँ। और अब मैं दरवाजे को भी कलर कर देता हूँ ऑरेंज कलर से। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नोबिता का घर वैसा ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फाइनली ये ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर से विंडो को कलर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि पेपर को आपको बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करनी है
और ऐसा ही लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। कट करने के लिए आप किसी बड़े का हेल्प ले सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी इसे कट कर लिया था। तो ये है कटा हुआ पार्ट, और ये है वो हाउस जिसको मैं आपको दिखा रहा था। तो ये लग रहा ना कि ये थोड़ा 3D जैसा पेपर से बाहर निकलता हुआ घर दिख रहा है ना, तो ऐसा ही घर आप भी बनाइए। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर हमें करना क्या है, इस जगह को हमें थोड़ा शेड करना है। शेड इसलिए करना है, हमें शैडो बनाना है, क्योंकि शैडो रहेगा तभी तो ये 3D लगेगा ना। तो हम फटाफट शैडो को भी कर लेते हैं कंप्लीट। देखो ये कमाल का घर लग रहा है ना, ऐसा कि पेपर से बाहर निकलता हुआ आ रहा है। और इसे ज़रूर ट्राई करना, अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाना बनाकर। और इसी तरीके से आप किसी और भी ड्राइंग के कार्टून जो होते हैं उनके घरों को भी बना सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।